बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं दादर फूल मार्केट, जहाँ पे काफ़ी लोग को हमने देखा कि लोगों को जो है वो ब्लैंकेट बांटते हुए वो लोग आ रहे थे, तो हमने उनसे बात करने के लिए कोशिश की और उन्हें रुकाया और उनसे हम कुछ बात करेंगे, जो कि उनके फाउंडेशन का नाम है तेलुगु पीपल इन मुंबई फाउंडेशन। और ये सब जो है ये आपस में फ्रेंड सर्कल ही इनका एक फेसबुक ग्रुप बताया जा रहा है, जिनके ज़रिए से लोगों को जो है गरीब लोगों को जिनके पास में ओढ़ने के लिए चादर नहीं है तो वो उसका बंदोबस्त करते हैं और लोगों को जो है वो कंबल जो है वो देते हैं। आपका शुभ नाम? संजीव। तो संजीव जी, जैसा कि हमने देखा कि आप काफ़ी लोगों को जो है ब्लैंकेट जो है वो दे रहे हैं, तो क्या पीछे है, मतलब क्या बात है इसके पीछे है? और कितने साल से आप कर रहे हो? एक्चुअली हमने चालू किया था हमारा फाउंडेशन 2015 में चालू किया हम लोगों ने, ऑफिशियली इवेंट 2018 में हमारा ऑफिशियली हो गए, ठीक है। और हमने चालू किया 2011 में हमारा फेसबुक ग्रुप, तो उसके हमने ये सोचा कि मुंबई में जितने भी तेलुगु पीपल है हमारे जैसे सब आई के अंडर का इसमें आ जाए, आई मीन एक वन रूफ, तो एक ग्रुप में हम लोग क्लियर किया। अभी हम ग्रुप में हमारे मोर देन 20,000 पीपल है हमारे, सो थ्रू फ्रेंड्स हम मनी कॉन्ट्रीब्यूट करके और गरीब को जो रहते हैं रोड के बस होते हैं उन लोगों के लिए हम लोग सेवा करते हैं, आई मीन ब्लैंकेट वगैरह देते हैं एवरी विंटर। दिस इज थर्ड ईयर, तीसरा साल हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर किए थे हम लोगों ने 50 ब्लैंकेट्स, सेकंड ईयर 100 एंड दिस ईयर वी वेंट विद 150। जैसा कि मतलब आप जो बता रहे हो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब जो है गरीबों को बांटते हैं, तो इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह मतलब क्या तरीके से आप लोग करते हो? एक्चुअली इस बार हमने ये किया था कि छोटी सी बैनर बना के हम लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल किया था हम लोगों ने, उसके थ्रू से हम लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हम लोगों को। उसके अलावा ये सारे फ्रेंड्स ने कंट्रीब्यूट भी किया अच्छा खासा अमाउंट, तो हम लोगों ने इस बार 150 ब्लैंकेट्स कंट्रीब्यूट करने में हम लोग ने शायद किए थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन लोग जो है आपस में ही कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि आगे भी आपके फाउंडेशन को जो है बड़ी कामयाबी मिले और बड़ी कामयाबी हासिल हो। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए धन्यवाद।